नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसारथी। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, धरना प्रदर्शन करें, ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर। वहीं यहां पर इनको परमिशन नहीं दी गई थी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने, वो यहां से निकलते और तब जंतर मंतर जाते धरना प्रदर्शन करने। वहीं बीच में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तो दिल्ली में धारा 144 भी लागू है कहीं ना कहीं किसानों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ आज ये है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से परमिशन भी नहीं दी गई थी धरना प्रदर्शन करने का और आप लोग यहाँ से निकले और यहाँ पर डिटेन कर दिया गया आपको। तो ये गला पकड़ने वाली बात हो गई ना कि गला घोट देंगे आवाज अगर किसी ने निकाली तो। ये जंगल राज चल रहा है, जैसे हिटलर था ना, उसने कहा सबका गला दबा दूंगा, वही जंगल राज यहाँ पे चल रहा है कि बोलो मत, जो बोले जो कुंडी खोले उसी का गला पकड़ेंगे। तो वही हिसाब है। अब अगर ईवीएम हटाओ तो क्या हर्ज है, ईवीएम बाहर तो नहीं चलता, बाहर इसको बैन है, तो बैलेट पेपर से होना चाहिए जैसे पहले होता था, उसमें हर्ज किया है मैम। लेकिन ईवीएम तो कांग्रेस द्वारा ही लाई गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार लाई उसे। कांग्रेस द्वारा लाई गई थी कि वोटर्स के लिए सहूलत हो जाए, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सरकार बदल गई। अब वहाँ बजाय सहूलत के ना वहाँ चीटिंग होने लगी। देखिए ये तो शुरू से होता आया है कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और लीडर को अगर अरेस्ट करेंगे या डिटेन करेंगे तो कितनी देर तक करेंगे, लेकिन आवाज़ थोड़ी दबा सकते हैं। अगर लीडर को कर लिया तो पीछे जो पब्लिक है वो बोलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन हो रहा था? मेन मुद्दा है ईवीएम और ये भ्रष्टाचारी सरकार, कातिल जनरल डायर की सरकार को हटाना चाहते हैं। जिस तरह नियते सिखों पे गोली के, उसी तरह ये सरकार नियते किसानों पे सिखों पे गोलीबारी कर रही है। और इनको ये डर नहीं है कि हम चुनावों में हमारा क्या परिणाम होगा। तो ये ईवीएम के दम पे जो कूद रहे हैं, हम चाहते हैं चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि चाहे कितना वक्त हो जाए, हम एक साल लगा सकते हैं, हम कितना पैसा खर्चे अपनी जेब से देने को तैयार है जनता, लेकिन बहुत इस ताने साहब सरकार का घमंड टूटना चाहिए। और जो महिलाओं महंगाई से त्रस्त है, किसान अपनी MSP के लिए मांग उठा रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है, वो मिलना चाहिए। जब ये सरकार घमंड में है इसीलिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हो रहा है। देखिए, हमारी गिरफ्तारियों से डिटेन से हमें कोई परवाह नहीं है, हमें साल भर 6 महीने के लिए जेल में डाल दे, लेकिन अगर इन चीजों से डर गए होते तो आज आजादी नहीं मिली होती। डर गए होते तो हमारे देश में भगत सिंह और सुखदेव जैसे आदमी नहीं पैदा हुए होते। तो ये डरने वाले लोग हम है नहीं। हाँ, जब हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के औलादों से लड़ रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के वंशज है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, चाहे हमें गिरफ्तार करे जेल में डाल दे, लेकिन गरीबों की, युवाओं की, गृहणियों की, किसानों की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे, चाहे हमारे आखिरी कतरा खून का तक बह जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं। देखो, दिग्गज नेताओं की, उदित राज जी की जो छत्र छाया में आज ये मंच हुआ चालू, वो उनकी लड़ाई सही लड़ाई है। जब आम पब्लिक के आदमी को ये नहीं पता पड़ता हमारा वोट कहीं जा रहा नहीं जा रहा, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो अपने मन की शांति के लिए अपनी मन इच्छा अनुसार वोट देता था और आंखों के सामने मुंह लगाता था, उसे ये देखा मैं वहाँ फलानी जगह वोट दे के आया हूँ, ये उसकी एक मन को शांति होती थी। और उसका चुनैदा वोट चाहे जीते या हारे, ये उसे पता पड़ता था कि भाई मैंने फलानी जगह वोट दिया है। अब ये पता ही नहीं पड़ता कि भाई मैंने वोट दिया कहाँ है। तो मुद्दा तो ठीक है और ईवीएम मशीन हटनी चाहिए और हम भी इसके विरोध में हैं और समर्थन करते हैं कि ईवीएम मशीन जितनी जल्दी इस भारत देश से हटेगी ये उतना जल्दी होगा। और इससे भी पहले भारत देश से पहले ये दसियों देशों में घूमती चली आई है, सबने इसे रिजेक्ट कहा है और गलत बताया है। और वहाँ आजकल वोटों से चुनाव हो रहे हैं विदेशों में, तो हमारे भारत में भी वोट द्वारा बैलेट पेपर द्वारा चुनाव होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। देखिए, उन्हीं को डिटेन नहीं करे, हम सब जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए, हम तो जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ये इनके गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, कहाँ कितनी बसें हैं इनके पास, कितना वो है, हम देखिए यहाँ से देखे वहाँ तक, देखिए दिखाइए आपके अपने फोटोग्राफर को दिखाइए, पूरी लाइन लगी हुई है, अभी सब जेल जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप किस किस को जेल में लेके जाओगे,
अरे आप ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, हम आप कह रहे हो 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं, अरे 400 सीट का तुम 100 सीट लाकर दिखा दो, बोलेट पेपर से आप इलेक्शन तो करवा के दिखा दो, तुम तो ईमानदारी की बात करते हो। और एक तरफ वहाँ पे चंडीगढ़ में देखो आपने क्या अंधेर कर दी मचाई, तुमने 36 वोट गिनने में भी 8 वोट तुमने कैंसिल कर दी जबरदस्ती। अरे सुप्रीम कोर्ट के अगर न्याय ना दे तो तुम तो बेईमानी करके पता नहीं क्या। मोदी साहब उससे बोलो, चंडीगढ़ में क्यों नहीं बोलते मोदी? जब से ईवीएम आई है उससे और आज तक आप टेक्नोलॉजी में देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसमें कहां से कहां परिवर्तन पहुंचा है। आज मोबाइल पे आप हाय करोगे तो आज आपका बोला हुआ आप पूरे दुनिया में कहीं पे भी आप लिखा हुआ है उसे देख लोगे, तो आप कैसी बात कर रहे हैं, आप उसी आवाज को तुरंत सुन लोगे। और आपको टेक्नोलॉजी में जो आप उसमें फीड कर दोगे वो आप महीना दो महीना चार महीना में आप जब भी चाहोगे जब भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है और उसी से ये सब चीज़ हैक हो रही है। मुख्य मांगे क्या क्या हैं? मुख्य मांगे भैया देखिए, हम निसंकोच चाहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से बैन हो, जैसे पहले बैलेट पेपर पे इलेक्शन होते थे वैसे हो। और इस चक्कर में आज हम लोग जो ना जेल भरो आंदोलन इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि हम लोग जो मतलब सरकार को ये चाहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से बैन हो और बैलेट पेपर पे वोटिंग करवाई जाए। हमारे हजारों हजारों साथी निकले हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर ही उस पर रोक दिया गया है। जैसा कि आपने देखा और सुना यहाँ लोग जो हैं कितने क्रोध में हैं, वहीं कई देखने को मिलता है कि मतलब कि कितने गुस्से में है। साफ तौर पर उनका ये साफ कहना है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते हैं जनसाठी पर दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।